ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब एक सुंदर महावाक्य और एक सुंदर प्रैक्टिस आप अपने परिवार के लिए सुन लो। बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई है, जिन्होंने नहीं सीखी वो अब सीख ले, तो ये बात का पता नहीं होता। जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ समझते हैं, वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, उनके भंडारे और भंडारे भरपूर रहते हैं। सुना सभी ने? जो अपने घर को क्या समझते हैं, बाबा का यज्ञ मान लो उसे, जैसे बहनें समझती हैं ना हमारा सेवा केंद्र बाबा का यज्ञ। मैंने बहन जी की बात सुनी, बहन जी आपकी महिमा कर रहा हूँ, अच्छा लगेगा ना। कहते हैं इनको रहता है जो कुछ भी है यज्ञ में भेजो। मटर मंगाई थी आप सबके लिए, अभी बड़ा यज्ञ नहीं रचा गया तो मटर के दाने निकलवा लिए थे, 2 क्विंटल बचे हैं। कहती है मधुवन भेजो। देखो ये यज्ञ है ना, ये भावना है। तो जो उस यज्ञ का ध्यान रखता है उसका ध्यान कौन रखेगा? तो अपने घर को बाबा का यज्ञ मान लो। सभी भाई बहने गहन चिंतन में चलो, ये घर मेरा घर नहीं, बाबा का यज्ञ है। ये बच्चे बाबा के इस यज्ञ के सेवाधारी हैं, हम सब इस यज्ञ के सेवाधारी हैं। ये परिवर्तन करना है, मन का परिवर्तन है केवल, विचारों का परिवर्तन है केवल। मेरा घर नहीं, बाबा का यज्ञ है। देखो अपने घर को यहाँ से और गहराई से संकल्प कर दो, ये बाबा का यज्ञ है, इसका रक्षक वही है, उसने ही हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ उसको अर्पण करते हैं। तो उसका समझने से बाबा के, भगवान ने कहा है उनके भंडारे और भंडारे भरपूर रहेंगे, वो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। भगवान का दिया हुआ भोजन, भक्ति में तो ऐसे ही कहते थे सब कुछ भगवान ने दिया है, पर ये प्रैक्टिकल बात हो जाएगी, वो बाबा का दिया हुआ खाएंगे तो रोग शोक सब दूर हो जाएंगे।